दोस्तों WTC फाइनल के लिए BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम में दहशत पैदा कर दी है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की पेंट गीली हो गई है और लगे हाथ MS धोनी ने WTC फाइनल मुकाबले के लिए खतरनाक टीम का ऐलान करके भारतीय टीम का हौसला बढ़ा दिया, जिनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों हम इस पूरी वीडियो में MS धोनी द्वारा घोषित की गई खतरनाक प्लेइंग 11 को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा आप भी चाहते हैं कि MS धोनी की छत्र छाया में भारतीय टीम WTC फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों भारतीय टीम को 7 से 11 जून तक WTC का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेलना है, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी की अग्नि परीक्षा होगी। इससे पहले दोस्तों भारतीय टीम पिछली बार WTC के फाइनल मुकाबले में पहुंची थी, जहां न्यूजीलैंड की टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और MS धोनी की छत्र छाया में रोहित शर्मा ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेंगे, जिसमें एकमात्र टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं को कुचलने के लिए भारतीय शेरों का ऐलान हो चुका है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन कप्तान किसे मानते हैं, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय ओपनिंग जोड़ी में खतरनाक ओपनर सुमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जो अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया का रायता फैलाने का दमखम रखते हैं, जिसमें सुमन गिल ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए काल बन सकते हैं, जिन्होंने T20 और IPL के अलावा एक दिवसीय मुकाबलों में शानदार रन बनाए हैं। जबकि रोहित शर्मा इस फाइनल मुकाबले में कप्तानी पारी खेलना चाहेंगे। रोहित शर्मा ज्यादा से ज्यादा पिच पर समय बिताना चाहेंगे ताकि टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई जा सके। तो वहीं तीसरे नंबर पर रन मशीन विराट कोहली मोर्चा संभालेंगे, जो इस फाइनल मुकाबले में गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, जिनके रिकॉर्ड काफी शानदार है। इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पर अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने उतरेंगे, जिन्होंने इस IPL सीजन में काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है और रहाणे मिले मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे और इस आर पार की लड़ाई में रहाणे मैच विनिंग पारी खेलेंगे। तो वहीं पांचवें नंबर पर चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का गुजारा नहीं होने देंगे, जो भारतीय टीम की चीन की दीवार माने जाते हैं, जो खड़े खड़े बिना रन बनाए मैच को ड्रा कराने का दमखम रखते हैं। इसके अलावा मित्रों छठे नंबर की जिम्मेदारी विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत निभाएंगे, जबकि सातवें और आठवें नंबर की जिम्मेदारी खतरनाक ऑलराउंडर और स्पिन स्पेशलिस्ट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन निभाएंगे, जो शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कई बार भारतीय टीम को जीत दिलाई है। तो मित्रों ये थी इंडिया वालों की बैटिंग लाइनअप, जो कंगारुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन भैया ये था ट्रेलर और ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर बनाएंगे ये घातक गेंदबाज, जिसमें तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की खतरनाक जोड़ी मौजूद है, जिनका साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर देते हुए दिखाई देंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की खटिया खड़ी कर देंगे। और मोहम्मद शमी इस IPL सीजन में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम कर चुके हैं, जबकि मित्रों स्पिन गेंदबाजों में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन मौजूद है, जो इस फाइनल मुकाबले में सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी साबित होंगे। तो भैया WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ MS धोनी के इशारे पर कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। दोस्तों इस फाइनल मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज घोषित होगा, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आपको क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।